भरतपुर ज़िले की वैर तहसील में पथेना गांव के पास एक धार्मिक स्थल है, ये काले पहाड़ के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ने सुनने में नहीं आता, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए ये भक्ति का ऐसा स्थल है जहां उनकी हर मनोती हर मान्यता पूरी होती है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये गोवर्धन पर्वत का छोटा भाई है। ये बात भी कम आश्चर्यजनक नहीं कि गोवर्धन की तरह ही इसकी भी परिक्रमा की जाती है, और ये परिक्रमा भी 7 कोस से कुछ ज़्यादा ही है। इसका नाम काला पहाड़ शायद इसके काले दिखाई देने के कारण पड़ा हो। यहाँ एक हनुमान जी का मंदिर है जिन्हें गुफा वाले हनुमान जी कहा जाता है। यहाँ आप गुफा भी देख सकते हैं और पूरा पर्वत भी, पर ये भी स्थल आधुनिकता की भेंट चढ़ रहा है। यहाँ बहुत से क्रेशर लगे हुए हैं। स्थानीय लोगों के विरोध और अनशन के कारण कुछ पाबंदी तो आधुनिक कही जाने वाली दौड़ में लगी ही है। उन सब बातों को जो माइथोलॉजी का हिस्सा हैं, यदि दरकिनार कर भी दिया जाए तो ये तो निश्चित रूप से है कि प्रकृति को जो स्थान इन कथाओं में दिया गया है वो अप्रतिम है। पूरे के पूरे पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा और सराहना के ऐसे स्थल आपको प्रकृति के करीब ले जाते हैं, और आप अपने अंतःकरण और उस स्वाभाविक प्रकृति में एक तरंगों का क्रम महसूस करते हैं। प्रकृति का एहसास कीजिए और गोवर्धन के इन छोटे भाई के सौंदर्य की सराहना कर अपने सौंदर्य बोध को पल्लवित होता देखिए। धन्यवाद।